बिस्ब्ला राम रही दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक़त नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी मेरे साथ तशीफ रखते हैं जनाब मजूबू रहमान शामी साहब शाम साहब आज की सबसे अम ख़बर तो यही है कि बिलाआर स्पीकर कौमी असम्बली का इंतबाब भी हो गया पाकिस्तान तरीकानसाफ़ के जनाब असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली मंतख हो गए हैं और मुझे तस्हीक कीजिएगा गलत कहूँ तो गोहर एवूब साहब के बाद ये दूसरी शख्सियत हैं कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर जो के पी के से जिनका इंतबाब अमल में आया है आ, ये बात पहले थे और ये दूसरे हैं <laughs> तो आज इन्होंने एक सौ छिहत्तर वोट लिए हैं जी और इनके मध्य मुकाबले सैयद खुर्शीद शाह के हिस्से में एक सौ छियालीस वोट आए हैं आठ वोट मुस्तरद करार पाए हैं डेप्टी स्पीकर के इंतख्या के लिए जो पोलिंग थी वो जारी थी आ, खत्म हो चुकी है अब काउंटिंग का अमल जारी है कुछ ही देर बाद नतयज आ सकते हैं मेरा ख्याल हमारे प्रोग्राम के दौरान वो नतयज आ जाएंगे इसके साथ साथ अगर हम खैबर पख्तूनका चले जो थी जी गिनती के दौरान तो बड़ा सस्पेंस रहा नहीं वो मैं आता हूँ उस कहानी में ज़रा मैं खुलासा पेश कर लूँ एक तो के पी के असम्बली में मुश्ताक गनी साहब मंतखब हो गए तो उनका होम ग्राउंड था और सिंध इसम्बली में आगाज़ से राज दुरानी साहब इस्पीकर मंतखब हुए हैं रही बात पंजाब इसम्बली की तो आज जो नौ मनतखबाराकिन ने पंजाबी इसम्बली ने हलफ उठा लिये चौदह बरस बाद परवेज़ अहि साहब पंजाब असम्बली में दिखाई दिए लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब और जो जयम कादरी साहब की एहलियाँ हैं जो मखसूस नशस्तों पर नू ले किया इन दोनों समेत पांच जो अरकन सुबह असम्बली है वो दिखाई नहीं दिए यानी दिएम कादरी साहब की अहलिया जो है हाँ उन्होंने हल्फ नहीं उठाया आज की तारीख में अभी तक अभी तक और चौधरी निसार साहब ने भी हाँ। हल्फ नहीं उठाया जी अभी तक अभी तक, तक। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और साथ में सदर सबक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के इंतहाई करीबी दोस्त अनवर मजीद साहब की आज गिरफ्तारी हुई है एफ आई ए हुम ने आ, उन्हें गिरफ्तार डेप्टी भी भी आ, आ स्पीकर का मामला भी क्लियर हो गया जो कासिम खान सूरी साहब है जिनका तालब बलुचि से है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा इन्होंने बड़े कैंडिडेट को बीट किया था अपने इंतजाम में ये स्पीकर से भी ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए एक सौ तिरासी तिरासी और जो डिप्टी स्पीकर के लिए जो आ, आ, असद महमूद साहब थे जिन जो वो एक सौ चवालीस वोट यानी दो वोट उन्हें खुर्शीद शाह से कम मिले हैं और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को स्पीकर साहब की नस्बत सात वोट जायद मगर वो जो कितने वोट ऐसे हैं जो मुस्तरद हुए अब ये तो भी चूंकि ताज़ा खबर है उसमें तो आठ वोट, वोट मुस्तरद, मुस्तरद, तो मुस्तरद न हुए, हुए, हुए उससे कुछ फर्क पड़ गया उससे कुछ लेकिन जो पी टी का अपना बयान था वो कहते हैं हम घर से जब चले थे तो एक सौ छिहत्तर वोट या नंबर गिन कर चले थे और उसी के मुताबिक हमें वोट पड़े तो ये जो सात वोट ऊपर पड़े हैं फिर ये तो कहीं से आगे ऊपर से ही आए ना ठीक है ये तो उनके प्लान में नहीं था जो उन्होंने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है लेकिन सर सवाल सबसे पहला ये है कि आठ वोट जो तो मुस्तर्द हुए स्पीकर के इलेक्शन में उसमें जो शाकिर सुलंगी साहब और खबर घुमन साहब जो रिपोर्ट कर रहे थे वो ये फरमाते हैं कि छह पीपल्स इसके पीटीआई के थे और दो पीपल्स पार्टी के थे इस हिसाब से अगर सोचा जाए यानी कैसे मुस्तर्द कैसे होगा क्या वो कैसे कह सकते हैं कि किस पार्टी के मुस्त ये उन्होंने अपने कुछ तो ऐसे ही ना ये तो गैस वर्क है ना गैस वर्क जब आप सीक्रेट बैलट हुआ है तो उसमें तो फिर कोई यकीन से बात नहीं कह सकते कि किसके वोट जो थे वो खराब हुए किससे कोताही हुई निशान लगाने में या गलत निशान लग गया या दरमियान में लग गया यानी ये सारी बातें जो है अब क्या सारायाँ हैं ये हकीकत नहीं है चले फिर दूसरी प्रोपोजन पर गौर कर लेते हैं अपोजिशन का जो नंबर बनता है शाम साहब वो एक सौ इक्यावन बनता है तो अपोजिशन को पड़े एक सौ छियालीस वोट पाँच वोट या डले नहीं या मुसरद हो गए और अब देखिए हिसाब किताब जो होना था हो गया हम कोई इल्म आदात के माहिर नहीं हैं <laughs> कि उनसे फाले निकालें बुनियादी बात क्या है बुनियादी बात ये मैंने आपसे कल भी कहा था कि मेरी जो जर्नलिस्टिक नहीं कल आपकी बात ऑन रिकॉर्ड है हाँ। वो ये कह रही है कि बखैर खूबी पीटीआई जो है वो मेजोरिटी हासिल कर लेगी और उनका स्पीकर मुंतखब हो जाएगा अगरचे के पीटीआई के अपने लीडर जो हैं वो परेशान थे हुँ। फवाद चौधरी साहब को उसमें पैसा चलता हुआ नजर आ रहा था असद कैसे साहब असद कैसर साहब जो है उन्होंने भी कामरान खान साहब के प्रोग्राम में जो गुफ्तु की सुना दूं।

इस किस्म की सियासत जो है ना पूरी सियासतदानों के लिए जिल्लत का बायस बन रही है और पूरी सियासत जो है ना वो गंदी हो रही है और सियासत की सियासतदानों की इज्जत खत्म हो रही है तो मैं सब हमें तो हम तो बिल्कुल किटकारी इस चीज के खिलाफ है और हम समझते हैं कि इमरान खान की कैस में हम वो काम करेंगे जो इतलावा हमें हैं अभी उसकी हमने पूरी क्योंकि तो हमें हमने कहा है और मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए

और जो पार्टी इन पावर है उसको बड़ी ध्यान से बात करनी चाहिए और अपने ऐसे तवाहमात और ख़दशात और वसें जो हैं उनकी बुनियाद पर जो मंतखब अदारे हैं उन पर कोई कालक नहीं मिलनी चाहिए यह बड़ा एक अपने आप को इन्हें रोकना होगा एक बात दूसरी बात यह जो असद कैसर है ये बहुत ढंग के शख्स हैं कोई पचास साल के करीब इनकी उम्र हो गई इस्लामी जमी भी रहे इस्लामी जमीत तलबा में रहे उसके बाद ये पासबान में आए शबाब मिल्ली में आए जो जमात इस्लामी के जो यूथ विंग है उसके बाद ये पीटीआई में शामिल ये पीटीआई के इब्तदाई अरकान में से हैं, छियानवे में ज्वाइन जब ने उनकी बुनियाद रखी गई उस वक्त इन्होंने अपनी जवानी ज्योति थी के साथ लगा दी अब ये एक तालीमी अदारों का एक बड़ा नेटवर्क चलाते हैं और इसमें आप देखिए कि ये कामयाब हुए पहले 2013 में उस वक्त ये ख्याल था कि इनको बनाया जाएगा आ, वजीर आला, आला। क्योंकि ये जो पीटीआई के नौजवान थे उनके अपने फेसेस उनमें ये नमाया थे लेकिन खान साहब ने फैसला किया कि खटक, खटक होंगे और इनको स्पीकर बनाया और इन्होंने बिल्कुल अतात की और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी भी तो इंतबा के नतज के बाद यही था अब ये तो ये थी वजीर आला इनको वजीर अला बनाया जाएगा फिर पार्टी ने फैसला किया कि ये कौमी असम्बली के स्पीकर होंगे बिना चूनो चला ये कौमी असम्बली में आ गए ये लोग जो हैं ये वक़ार है हमारी सियासत का और हुसन है हमारी सियासत सही बात है यहाँ भी आप देखिए हमारे जो है ना वलीद इकबाल जो अलामा इकबाल के पोते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल के बेटे हैं उनको टिकट नहीं मिला लाहौर शहर के वो सदर है और उनको टिकट नहीं मिला और बड़ा उनके कारकुन जो थे वो बहुत जज्बाती भी हुए और उनको इस पर बहुत उकसाया भी जगह जगह उनको उनको लोगों ने घेरा लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करूंगा टिकट अगर नहीं मिला तो कोई हर्ज नहीं है फिर किस्मत आजमाई कर लेंगे अगर छिन गया एक नशे तो सामने क्या है और भी और भी हैं। यही मुकाम आते आओ और भी हैं तो ये भी एक अच्छी बात है जो हमारे पॉलिटिकल कारकुन हैं उनको इन लोगों से एक नसीहत पकड़नी चाहिए और एक बात बात पर मुश्तिल होकर अपनी पार्टी को वॉयलेट नहीं करना चाहिए अब आप जो आपने मुझसे डेप्टी स्पीकर का जो नंबर पूछा था वो आ गया है यानी 328 मजबूती तौर पर वोट कास्ट हुए स्पीकर के लिए 330 हुए डेप्टी के लिए हुए। 328 हुए यहाँ मुस्तर्द वोट एक है एक है अब इधर इससे इस फर्क पड़ गया ना एक वोट मुस्तर्द हुआ तो एक 183 हिस्से में आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आ, अब ये हो सकता है किसी ने जो मुस्तर्द करने वाले हैं उन्होंने गुस्से में आकर दो मोहरे लगा दिए हो ये भी हो सकता है बाज एहत भी होता है इस तरह लेकिन मेरा ख्याल गलती के इम्कान ज्यादा लेकिन यहाँ सात वोटों का इजाफा हुआ है पीटीआई ने अपने वोट का नंबर एक सौ छिहत्तर ही बताया था पी टी आई की जब हुकूमत कायम होगी एक कम्फर्टेबल मेजोरिटी होगी और वो बखार खूबी अपनी हुत सकेंगे। आप देखिये ठीक है अब बोल रहे हैं नज़ी अजम के नामजदगी इमरान खान पर आज तो आज देखिए सिंध असम्बली जी आगा से राजान से राजानी और वहां साहब और गनी साहब मुश्ताकनी गनी साहब अभी पीटीआई के हाँ। बड़े इब्तदाई हैं और हज़ार और और वजी इतलात भी रहे वहाँ और हजारा से इनका ताल्लुक है ये भी बहुत एक ढंग के लोग हैं यानी जो पाकिस्तानी सियासत में एक अजाफा है उसके हुसन में इनको आप उस कैटेगरी में शुमार करेंगे बिल्कुल ठीक अच्छा आज असेंबली में फिर क्या हुआ जब स्पीकर का इंतबाब तो हो गया उसके बाद के जो मनाजिर थे वो बड़े दिलचस्प थे जो कि शायद किसी हद तक ये कह सकते हैं हम दे है। तो हाँ। हाँ। देखिए <laughs> पहले या सादिक साहब क्या फरमाते हैं क्या फरमाते हैं फिर मैं मुर्जा जावेद साहब की बात बाद में करूँगा जरा इन दोनों को पहले सुन लें मेरे कुछ साल बड़े तकलीफ में गुजरे मैंने मुस्कुरा के जाली स्पीकर के आवाजें सुनी मैं कभी यह हिम्मत नहीं करूंगा कि जिस मनसब पर आप आज तशरीफ तो रखते हैं आपकी कोई तजलील हो पीपल्स पार्टी की तारीफ करना चाहूंगा दो हजार चौदह के धरने और इस्तीफे जब आए वो एक इम्तहान का वक्त था जमहूरीत की खातिर मेरा साथ दिया नवाज शरीफ साहब ने और खुर्शीद शाह साहब और पूरी पीपल्स पार्टी की अपोजिशन शीरिन मजारी कभी गवर्नमेंट में नहीं रह सकती वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी और ये ये वो अनगाइडेड मिसाइल है जो अपने ऊपर गिरेगी लिख लीजिएगा आपने ज्यादा वोट लिए कामयाब हुए मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से, सेवान की तरफ से मुबारकबाद देता हूं मेरी दुआ है कि हुकूमत ने जो आवाम से वायदे किए हैं उसको पूरा करेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि उनको मौका दें जी ये बड़ी नपित्फाज और पार्लिमानी जो आदाब उनके मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इजहार ख्याल फरमाया कौमी असम्बली में आज जब स्पीकर साहब का इंतबाब हो गया तो बड़ी काबिल सताइश गुफ्तगु थी तमाम शाह मुल्कुश गुफ्तु बड़ी नपीतुली थी उनका हम इसका मौका अपने आपको देंगे और मार्जिन रखेंगे आपको सुनेंगे हम देखिए अब ये जो हिर मजारी है वो भोल पड़ी ना उनका भी एक इम्तहान शुरू होगा ना हाँ इसलिए कि में आपोजिशन में बहुत आपको छुट्टी मिली होती है और हुकूमत में हाँ। आपको उम्मीद है अच्छा दिलाना चाह रहा हूँ आपकी भी आज तमाम नाजरीन ने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा जब स्पीकर का इंतखाब हो गया तो माइक खोल दिया या साहब ने मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब का जो डेप्टी स्पीकर हैं पिछली असेंबली में तो उन्होंने रद्दअमल का इजहार किया की, पेशे की जरा वो सुन लें। जिस तरीके से गाड़ी में दहशत गर्दों और मुजरमों को लाते हैं इसकी आम इस, इस, इस फ्लोर पे भरपूर मजम्मत करते हैं जो सजा भी दी गई है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ये लिखा गया है कि जुर्म साबित नहीं हुआ ऐसा रवैया तो कश्मीर में भी इंडियंस नहीं करते जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स के साथ किया गया जो मुल्क मोशन है मैं उन को सलाम पेश करता हूं कि जो काम सियासी कुत नहीं कर सकी जो लोग पार्लियामेंट थे, इसकोर करें। आज लोटों की फौज के साथ पार्लियामेंट में उनको बिठाया गया ये तो मुझे तो यही लग रहा है जो दूसरा मकबूजा कश्मीर भेज दे ये जाए वहां और दो दिन गुजार के आए इनको मालूम है कि एक जहन्नुम क्या है और जन्नत क्या है आप अपनी जुबान को काबू में रखें कोई मवाज़ना पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर से करना एक गुनाह कबीरा है ऐसा शख्स इस काबिल नहीं है कि साहबान में बैठे

हालत तो आप मकबूजा कश्मीर आपको नजर आ रही है जहां सांस लेना मुश्किल है जहां आप देखिए कि क्या सूरत और उस उसके बावजूद भारत की जो संगीने हैं वो बंदूकें हैं और टैंक उनके सामने खड़े होकर पाकिस्तान का नारा लगाते हैं कल पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं श्रीनगर में आज आई है आज योम सिया मनाया आज इंडिया का योम आजादी है पंद्रह अगस्त जी और वो मकबूजा कश्मीर में योम सयाह के तौर पर मनाया गया जी हाँ। यकीन कीजिए, ये मुर्तजा अबासी साहब की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई है और मैं किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे मुल्क की इतनी तोहिन करे नहीं, जितनी इस शख्स इस, इस, इस जुमले से पहले वो अपनी बात कर रहे थे करें अपनी बात, बात। इस इस इस, इस 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 मुआवजे की जरूरत समझूंगी ना आपने भाई नवाज शरीफ साहब के बारे में आवाज बुलंद करें हाँ। जो कहना चाहते हैं कहें जो वक्त गाड़ी पर उनको लेके आए उस पर احتجاج करना चाहते हैं احتجاج करें बिल्कुल हम उनके साथ लेकिन मुआवजा काए को मगर ये कोई बद तरीका नहीं है और ये एक हद से ज्यादा बड़ी हुई गुस्ताखी है और मैं समझता हूँ ये मादर वतन की शान में गुस्ताखी है माजत करनी चाहिए कबूल इसको इसको जा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने बिल्कुल ठीक है अच्छा जी इसके बाद शामूद कृषि साहब भी बोले हैं शबाशी साहब भी बोले हैं ये सारे बयान हैं आगे चलते हैं लेकिन आज इमरान खान साहब की जो वहाँ पे मौजूदगी थी उसको बड़ी दिलचस्पी से देखा गया तस्वीर पर विरध फरमाते रहे और जब अपोजिशन ने हंगामा किया तो वो बददस्तूर मुस्कुरा रहे थे वोट डालने गए तो शनाखती कार्ड भूलाए थे स्पीकर साहब की मुआवनत की वजह से फिर उनको वोट डालने की इजाज़त मिली हालांकि कादर पटेल साहब ने एहताज़ किया तो वो भी दिलाई कि जना मेरे पास आई डी कार्ड नहीं था मुझे ले के बाहर जाना पड़ा लेके आया फिर उन्होंने कहा मुझे बताते मैं आपको यही फेवर देता जो इमरान खान साहब को दी है तो खान साहब मुस्कुराते रहे और साथ में आमिर लियाक़त हुसैन साहब को हमने आज इक्शन देखा आसिफ अली जरदारी साहब हम बैठे हुए थे

वो चौधरी निसार के कहने पर आए थे जी अब उसके बाद चौधरी निसार साहब के किसी तर्जुमान ने कोई वजाहत नहीं की मैं मेरा ख्याल था वजाहत करेंगे वो अमूमन जो उनकी तरीकत रही है चौहे साहब की जब भी कोई उनके बारे में कोई बयान आया फौरी उनके तर्जुमान ने तरदीद की या कहा कि जल्द जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे ये पहला मौका है चो निसार साहब खामोश ये बड़ी अजीब बात है अब ये कोई इतला गलत मिली है चीफ जस्टिस साहब को या ये इतला दुरुस्त है तो ये बड़ी एक इसकी कुछ मजीद होनी चाहिए लेकिन एक बात में मैं साहब इस बारे में सिर्फ एक जो मुझे उनका बयान याद आता है ना वो तो ये फरमाया करते थे मैं तो नवाशी साहब आप ना 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 पेश हूं। ना पेश ना पेश देखिए एक बात सुनें हमारे जो चीफ जस्टिस है ना यकीन कीजिए बाज काम तो इन्होंने ऐसे किए कोई दूसरा नहीं कर सकता मसला आप देखिए जो जो रिलीफ दी है है हाँ, ना लोगों को जो और जो जिस तरह अभी आप देखिए ये जो नोटिस लिया है इस वक्त ये जो लॉन्ड्री मनी लॉन्ड्रिंग उसमें तो आज गिरफ्तारी भी, हो भी गिरफ्तारी भी कराई और मंगवाया उनको वापस और कहा यानी उससे एक मैसेज गया है ना कि अक्रॉस किस बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी हो रही है और एक बात ये और देखिए जिस तरह वो बात सुनते हैं और समझते हैं और फिर फैसला करते हैं और डैम के ऊपर जो उन्होंने कंप्लेन चलाई हुई हाँ जी वो भी माशाल्लाह एक अरब के करीब जाने वाली है हमारी हमारी तो होगी उनसे कि किसी तरीके से कोई निज़ाम अजल जो है ना उसके बारे में कुछ बुनियादी फैसले कर जाए ताकि उनको फिर ये जो ये जो तखीर होती है जेरी अदालतों में ना हो पाए और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि इंतजामिया के मामले में भी उनको कुछ बुनियादी फैसले करने चाहिए ठीक और वो ये है आप देखिए ये जो एक हमारे हुक्मराना ने वतीरा अखियार किया हुआ है ना कि ग्रेड अठारह की पोस्ट पे ग्रेड सोलह का आदमी ग्रेड बीस की पोस्ट पे ग्रेड उन्नीस का आदमी ग्रेड उन्नीस पे ग्रेड सत्रह का आदमी ये बिल्कुल मासी का वेड़ा बनाया हुआ है रियासत को ये इस पर भी कोई मेरा ख्याल रूलिंग आनी चाहिए लेकिन महाराज में आज जो बात उन्होंने कही है और जिस तरीके से वो कई अपने लोगों की सुनवाई कर रहे हैं और जिस तरह वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और जिस तरह उनकी फरियाद सुनते हैं एक एक सादा कागज पर जाकर आप दरखास्त दें आपकी बात सुन ली जाती है ठीक तो मेरा ख्याल इनको इसके एप्रिशिएट किया जाना चाहिए ठीक है और मुझे आज अच्छी बात है हाँ। ये आज मुझे बड़ी उन पर

पहलू में रहे हैं क्या चरणों में चरणों में, चर्नु में। चर्नु अब वैसे वो जैसे कहते थे ना कि जो हमारे सैफुर रहमान थे जरदारी साहब का कहना और हामद मीर साहब इसके गवाह थे कि अदालत में वो मिले तो फिर वो चरणों में बैठ गए उनके

वेलकम बैक नाजिम ब्रेक से पहले हम बात करें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स के ऊपर जो उन्होंने आज जे में पनामा जे में शामिल जो खुफिया इदारों की नुमांदगी थी उस पर दिए हैं तो चौहर निसार साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नाम शामिल करवाए थे उस पर हम बात कर रहे थे तो कुछ अभी कुछ फ़ोन भी आए लोगों ने तोजुबल मोहम्मद फैजी साहब हैं इस्लामा से खुद मुनर अहमद खान साहब हैं लाहौर से हमीदुद्दीन नवान साहब हैं गुजरावाला से डी खान से बताया और ताहिर मुगल साहब है इस्लामाबाद से उन्होंने कहा कि चौधरी निसार ने इसकी वजाहत कर दी है उन्होंने कहा है कि मेरा इसमें रोल नहीं था लेकिन क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है इसलिए चौधरी साहब को ये चाहिए कि वहाँ दरख्वास्त दें ताकि मामला ज़्यादा मुनासिब तरीक़े से वाज हो सके और चीफ़ जस्टिस साहब भी उसका जायज़ा ले सकें ठीक है बिल्कुल ठीक है अच्छा जी अब अगला मरहला है वज़ी अजम के इंतब का और फिर कल पंजाब असम्बली में भी इस्पीकर और डिप्टी इस्पीकर का इंतखा होगा

तो आए हैं वापस हाँ। और हमारा चश्मे मा रोशन दिले माचात बिल्कुल ठीक है अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये जो हमारे स्पीकर है ना असद कैसर हाँ। हाँ। हमने बहुत मार्के के स्पीकर जो हैं वो देखे हैं पहले स्पीकर हमारे जो थे यानी कायद आजम के बाद जो शख्स फिर उनकी जगह जनरली यानी प्रेसिडेंट हुए असम्बली के कोई मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जिनको हम बहुत याद करते हैं फिर हमारे गौहर अयूब साहब फखर अमाम साहब और सैयद यूसुफ़ यूसफा गिलानी साहब और खुद हाँ हमारे जो साया सादिक वो थे और इस, और फहमीदा मिर्जा बड़ी इससे पहले हमारे जो चट्टा साहमद चट्टा जो है वो भी एक बड़े अच्छे स्पीकर रहे और जिन्हें जो साहब को डिसमिस कर दिया गया इसके बावजूद उन्होंने उनका साथ नबाया तो एक एक बड़े अच्छे स्पीकर जो है हमने देखे हैं और हमारी दुआ है कि असद कैसर साहब जो हैं वो भी एक अच्छे स्पीकर साबित हों और पूरा हाउस जो है उसको साथ लेकर चल सके और उसके वक़ार में कि उसके वक़ार की हिफाजत कर सकते आज जब ये इंतखा हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो रहनम है वो नवाशिफ साहब की तस्वीर वाले पोस्टर्स लेकर स्पीकर के डाय के गिर जमे जमा हो, हो, हो गए और इलेक्शन के नतज के ऊपर मुबैन धान के ऊपर नारेबाजी की नवाशिफ साहब के हक में नारे लगाए उस मौके पर नू लीग तो थी एम एम ए के लोग भी थे पीपल्स पार्टी के जो दोस्त थे ना वो उन्होंने कुछ का इजहार किया जो वाज पर देखा जा सकता था नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें जो हैं पीपल्स पार्टी तो नहीं उठाएगी ना अब वो जो तनकीद हो रही थी ना कि एहतजाज नहीं किया काली काला, हाँ, आज, काली पट्टी नहीं लगा एक तो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे अदालत अपने पूरे रोफकत पहले सुन लेना और उन्होंने बड़ी तकरीर भी फरमाई सुना देखे शहबाज शरी साहब ने क्या कहा आज कि आज चतराल से लेकर कराची तक पूरी कौम नवाज़ शरीफ के साथ है दुआगो है कि अल्लाह ताली उनको बाकार बाइज़त तरीके से और उनको उनके साहबज़ादी को जल्द रहा करे और वो अपने हमनों के साथ जल्द आ मिलें और खुदा करे कि ईद की खुशियाँ अपने अवाम के साथ वो गुजारें नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फलोक करम से एटमी कवत बनाया और नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर खुदा के फलोक करम से बिजली के अंधेरे ख़त्म किए उन्होंने हमें ये पैगाम दिया है कि पूरी तरह इस हाउस में भी हम इन शारीख़ी करदार अदा करेंगे हम जमहूरीत के लिए हम तमाम काوش बेरोजगार लाएंगे और धांधली ज्यादा इलेक्शंस को पूरी तरह बेनकाब करें। चलिए आज उन्होंने कफारा अदा कर दिया जो कहते थे, थे ना वो इलेक्शन कमीशन के सामने احتجاج करने नहीं आए वो चुप करके असेंबली में जाकर हलफ उठा आए तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है ना उसके अंदरून अंदर भी तो इत्तनात देने वाले बहुत पाजूद है तो आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वहां गए और फिर आ, मुर्तदा अब्बासी जो थे वो छप्पड़ फाड़ कर बोले और इस तरह के नारे वारे लगा दिए तस्वीरें भी दिखा दी वहाँ ये इस तरह की मौसी होती रहेगी और चलती रही चलती अच्छा मैं एक तस्सी कर दूँ चोर साहब सोबी साहब गुजरात करवाई है हमारी उसकी चौहे साहब तो दो हजार सात तक वजी रहे हैं पंजाब के कहा गया हर हिस्से को असल में आजकल ताक करने के चक्कर में है तो इस चक्कर में गलती कर रहे हैं ग्यारह ग्यारह बारह

आब 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 बताएं। अब चौक आप चौधरी साहब और एक ही पेज पर बारह तो तो साल के हो, हो वापसी मुबारक हो बस ठीक हो गया जी तो ये मुन्नलाइ साहब मेरा ख्याल शायद उनकी जगह मरकज का मरकजी में ना जी वफाक में वहाँ पे कोई वजारत भी नहीं मिल लड़ेंगे या किस चीज़ का

गौर कर लिया नहीं नहीं मैं मैं दुरुस्त बता रहा हूँ आपको भारत आगे बढ़ते हैं आज जो बख्तरबंद गाड़ी वाला मामला था आए तो वो बख्तरबंद गाड़ी में थे खराब हो गई फिर उन्हें लैंड क्रूजर के ज़रिए लाया गया तो आज वहाँ पर सज़ा मतली की जो दरख्वास्त नैब ने अलवा की दरख्वास्त दी थी वहाँ पर कोर्ट में तो वो मुस्रद कर दी गई है और जैसे सतर मनुल्ला साहब ने कहा कि ये हम आपकी दरख्वास्त एंटरटेन नहीं करेंगे आगे बढ़ें केस चलाएँ और दूसरा जो एहतार अदालत पेशी थी वो भी हो गई और तीसरी ख़बर थी जो अनवर मजीद साहब की गिरफ़्तारी हुई उस पर एक सवाल उ ब्रेक कि ये उनकी गिरफ्तारी किस कदर अहम है क्या जरदारी साहब के ऊपर कोई शिकंजा तो नहीं कसा जा रहा पता नहीं देखिए दरिया को अपनी मौत की तगानियों से काम कश्ती किसी की पार हो या दरमयार रहे अब ये तो अब वक्त आएगा जो जो उससे पता चलेगा फ़िलहाल तो जो एफ आई ए की एक इन्वेस्टिगेशन है जिसपे पीपल्स पार्टी की बहुत कोशिश की है हमारे खोस्ता साहब ने भी कि वो जो मेहमान साहब है बशीर मेहमान, वो डी जी एफ आई ए वो इससे अलग हो जाए फिर दूसरे जो लोग तफ्तीशी हैं मगर वो बात उनकी बनी नहीं है नहीं। नहीं। आ, अब उसमें ये इसमें क्या निकलता है और किस तरीक़े से अनवर मजीद साहब अपना नुकता नजर बयान करते हैं ठीक ये पता लगेगा ठीक एक एक ब्रेक ले लेते हैं नाजर मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद

तो ये हुसैन और इसमें एक साहबार हो गया उस तो काफी लोगों के सर मैं गुजारिश कर रहा मोनिस को मैं हुसैन अलाई साहब से कंफ्यूज कर गया अच्छा बेशुमार लोगों को चार सीटें काफी साहब ने एक हुई साहब ने एक दोनों ने खाली छोड़ दिया हो गया एक तो ये बात थी एक बात यह है कि जो एक में खबर और दे रहा था के एडिटर मोहम्मद तो मरहूम बड़े मार्केट उनके बेटे जावेद तुफैल जो उदारत संभाली उन उनका इंतकाल हो गया आज उनका जनाजा जो है साढ़े दस बजे बहावलपुर हाउस मियानी साहब में पढ़ाया जाएगा अल्लाह तला मक्फरत करे और आज जनरल हमीद गुल की बरसी है लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल आईएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे बड़े मार्के के शख्स थे और बड़ा हल्का एक, एक था अपना एक दबदबा था अपनी एक शान थी और एक नसीम एजाजी के नावल के एक किरदार थे जो कानून उल्ला के जो जर्नैल होते हैं और उनकी एक तस्वीर थे तफसील से बात उनके बारे में फिर होगी अल्लाह अच्छा, एक, एक, एक खबर यह है कि कल... एक... कल की जो खबर थी ना जी कल क्योंकि योम आज़ादी था उस मौके पर जो पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाजा दिए गए हैं उससे हमारे जो मेजर जनरल आसफ़ूर साहब एंडी जी आई एस पी आर उन समेत सत्रह तो अफसरान तो को तो हिल इम्तियाज़ मिलट्री अता किया गया है उनसठ को तमगा बसालत सतर को सतारा इम्तियाज़ और एक सौ छः को तमग़ा इम्तियाज़ मिलट्री दिया गया है आसिफ वो गफ़ूर तो साहब तो ने कई ऑपरेशन भी किए हैं सवाद का हो या जितनी भी जंगे लड़ी उसमें फ्रंट रहे मिलिट्री उसका मुबारक हो और बड़ी खुशी हुई है आ, वो वो उनकी उनका भी नाम जो है आ, वो ठंडक पहुंचाता है अह अहले नजर को ठीक इफ्तिखार गिलानी साहब मेरे साथ दरअसल टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं उनसे इफ्तिखार गिलानी साहब से बात करते हैं वक्त कम है क्योंकि मैं मुक्दवजावादी की बात करना चाहता हूं एक बात कहने पहले इमरान खान साहब की नाजहीली का जो केस है वो भी जो जो अब वो हमारे जी अल्लाह जी जी। हाँ। का शुक्र है आज भारत का योम आजादी लेकिन मकबूजा वादी में तो योम सयाह के तौर पर मनाया जा रहा है हड़ताल है पूरी वादी में क्या खबरें अब तक पहुँची मकबूजा वादी की आज के दिन के हवाले से

और लेकिन कश्मीर में पूरे तकरीबन पूरे पूरे में जो आज तकरीबन पूरे प्रिण 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 से मुकम्मल हड़ताल हड़ताल की रही और एक, एक, एक तरह तो तो से भी सख्त इंतजाम थे उसकी वजह से भी लोग जो है अपने घर में ही रहने पर मजबूर थे ये जो है खेल जो पूरी वादी में है इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन का और इंटरनेट का एक क्लैप डाउन था इसलिए खबरें भी बहुत ही देर से ही पहुंच रही थी कहाँ पर कैसे हुआ लेकिन बहरहाल जो है ये काल जो पिछले कई सालों से जो है इस, इस बात के जो इंडिपेंडेंस डे के लेवल पर जो वायलेंस वगैरह हुआ था इस बार इस तो लेवल में काफी हद तक कमी थी ठीक है बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तार ग्रैंड सब सीनियर सहाफी कॉलम निगार हैं दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे थे जो उन तक ख़बरें पहुँची मकबूजा वादी की इंटरनेट बंद हड़ताल और उसके बावजूद लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लहराए और बायकॉट किया आज जो भारत का योम आज़ाद आप मकबूजा कश्मीर में जाकर देखें कि पाकिस्तान क्या है बिल्कुल और उसकी कदर क्या है और आज़ादी क्या होती है आज अमित शाह ना जो बीजेपी के सदर हैं इस वक्त वो बीजेपी का जो हैड ऑफिस है वहाँ पर आज मैं एक दिन एक वेबसाइट पर देख रहा था विजअल्स भी तो वो तिरंगा लहरा रहे थे वो गिर गया उनके हाथों से नीचे और उन्होंने इधर उधर देखा और फिर दोबारा उसे लहरा दिया लेकिन वहाँ अमित शाह की शरकत पर किसी ने कोई फसाद बर्फा नहीं किया बदशगुनी तो हो गई ना <laughs> बदशगुनी हो गई हिंदू भाई जो हमारे हैं उनके यहाँ तो ये बहुत बदशगुनी के मामला भी होते हैं ना और उसी देखिए पंद्रह अगस्त जो है असल में तो योम आज़ादी हमारा जो है वो पंद्रह अगस्त है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्क पंद्रह अगस्त को वजूद में आए और पहले हमारा योम आज़ादी 15 अगस्त ही को बनाया गया और 15 अगस्त ही को काकाए आजाद ने हलफ उठाया लेकिन फिर पे एक दो योमे आजादी के बाद हमने फैसला किया हमारी कैबिनेट ने कि भई हमें 14 अगस्त को मनाना चाहिए ताकि इंडिया से एक दिन पहले फर्क वाक हो जाए वो दोनों मुल्क जो हैं एक एक ही योमे आजादी जब उनका होगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगा अच्छा एक ख़बर ये भी थी आज अभी थोड़ी देर पहले कि जो अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मरी जहांगीर सिद्दीकी उनकी नैब में तलबी है सत्ताईस अगस्त को बुला लिया गया ये ईस्ट गार्ड कंपनी में कोई तहकीकत थे मतलब नैब को तो उन्हें बुलाया गया मार्च में भी उन्हें तलब किया गया था और अब अगस्त में तलब किया नैब जो है इस अदारे की भी कुछ असलाह की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि मौका बेमौ नोटिस जारी करना लोगों को तलब करना उनके बारे में खबरें जारी कराना और उन एक एक कन्फ्यूज़न पैदा करना और लोगों को एक चहमगोया का सामान फराम करना सर कल आपने वो वीडियो देखी थी इमरान शाह थप्पड़ लगाए जी एक बुजुर्ग वो ब्यूरोट है उनके घर भी फिर वो गए पता नहीं क्या हुआ किस बस... उन्होंने तो बयान किया जो उन्होंने बयान किया ना इमरान शाह ने बाद में उसकी तरद हो गई उससे एक ये भी पता चला कि झूठ भी बोला मौसम तो बहर आज उनके घर कल उनके घर पे गए थे लेकिन अभी उन्होंने उनकी तोबा कबूल नहीं की वो पक, उन्होंने जो बाद में कुछ मीडिया चैनल्स को बयान दिए उसमें तो वो कह रहे थे मैं ये ना करता सुलह ना करता तो क्या करता क्या मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ कोर्ट कचहरी का सामना कर सकता हूँ बेबस दिखाई दिए वो बुजुर्ग नहीं या तो उनको... लेकिन बात यह कि जिस तरह से इस वाक़े पर पी टी आई के अंदर से लोगों ने शदीद एहतजाज किया मजम्मत की इस वाक़े की और कहा गया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए देखिए पीटीआई ने चौका नोटिस जारी किया और पी, पीपल्स पार्टी ने भक्ती कसी कि ये एम क्यू एम टू बन गई है ये एम क्यू एम टू पी टी आई अगर बनती तो उसको फिर शाबाश देती या खामोशी इख्तियार करती उनको नोटिस जारी किया गया है और ये एक अच्छी बात है अब अगर उनको बुजुर्ग जो है उनकी मादत कबूल नहीं करते उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना मुस्ताफी हो गए रफीक रजवाना साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं झगड़ा साहब को भी मुस्ताफी होना और अब ये मालूम नहीं है और हमारे जो सदर मुमलकत हैं उनका भी शेड्यूल जो है उसका ऐलान हो जाना चाहिए था सदारती इंतखा का क्योंकि इंतख्य के बाद तीस दिन के अंदर अंदर शेड्यूल जारी होना चाहिए अगर वो जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन की एक और नालायकी है तो सदर मुमलकत भी जाने वाले हैं अब देखने की बात यह है कि रिजवाना साहब जो है नहीं। वो नए वजीर अल से हलफ उठा उठवा कर जाएंगे या पहले चले जाएंगे और नई तकर्री जो उनकी होनी है हमारे चौधरी सरवर साहब की वो तकर्री इसलिए अभी नहीं हुई कि इमरान खान साहब पहले हलफ उठाएंगे ठीक फिर एडवाइस भेजेंगे सदर को फिर सदर मुमलकत उनकी तकनी करेंगे बिल्कुल तो ये भी हो सकता है कि चौधरी सरवर साहब ये सारे मरहले बड़ी तेजी से तय कर ले और हल्फ उठवा लें नए वजी ठीक इसी के साथ खत्म होता है आपसे इजाज़त चाहते हैं अल्लाज